तो दोस्तों फाइनली 2 हफ्तों के इंतजार के बाद ब्लैक क्लोवर का मांगा चैप्टर 278 रिलीज हो चुका है। एंड बेसिकली ये चैप्टर नेक्ट और जैक वर्सेस दांते के ऊपर है। एंड दोस्तों आज हम लोग ब्लैक क्लोवर का मांगा चैप्टर 278 का रिव्यू करेंगे और साथ ही पूरा चैप्टर भी कवर करेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट मांगा चैप्टर के स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आप लोग को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इस वीडियो को अभी क्विट कर दें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोग का आस्था और एनिमे ब्लैक एक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को दिखाया जाता है दांते को, जिसके ऊपर जैक लुनेटिक स्लैश यूज करता है। और मैं बता दूं, लुनेटिक स्लैश जैक का ही एक अटैक है एंड दांते के बॉडी में बहुत सारे कट्स आ जाते हैं, पर दांते अपना रीजनरेटिंग एबिलिटी यूज करता है और बोलता है मेरे बॉडी की रीजनरेटिंग एबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दांते का बॉडी पूरा हील हो जाता है और बोलता है जो मुझे चोट पहुंचा सकता है वो सिर्फ एंटी मैजिक यूज करने वाला लड़का है। और यहाँ से एंटी मैजिक यूज करने वाला तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, वो तो आस्था का बात हो रहा है। और नेक्ट बोलता है जैसा सोचा था, पर जो भी हो हमें जीतना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय जैक के मैजिक पे भरोसा करने के अलावा। और जैक के मैजिक में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे चीज़ों को भी काट सकता है जिसे काटा ना जा सके। और जैक बोलता है लड़ाई तो अभी स्टार्ट हुई है, हमने अभी तक हार नहीं मानी है। और फिर दांते ग्रेविटी मैजिक प्रेजेंस ऑफ डीमन किंग यूज़ करता है और बोलता है मुझे तुम लोग से कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों दांते के पास जो डेविल है यानी डीमन किंग, उसका नाम क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ। और फिर नेक्ट बोलता है क्या जैक ग्रेविटी मैजिक के अंदर अटैक कर पाएगा। और तभी नेक्ट यूनाइट मोड एकस यूज करता है और नेक्ट का न्यू फॉर्म आ जाता है। और दोस्तों ये फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है एंड दोस्तों ये फॉर्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव भी। और इस फॉर्म को देख के दांते समझ जाता है कि नेक्ट के पास डेविल है और वो बोलता है ओहो, उस एंटी मैजिक लड़के के अलावा और भी लोग डेविल पोजेस्ड हैं। और उस वक्त जैक दांते के ग्रेविटी मैजिक के कारण जमीन में गिरा हुआ रहता है और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। और जैक की इस हालत को देख के नेक्ट उसे ताना मारता है, तुम तो बहुत जोश में थे, अब क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास बस हाइट और एटीट्यूड है मिस्टर मैंटिस कैप्टन, तुम अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हो पर क्या तुम अपने स्किल से उसे प्रूव कर सकते हो। और नेक्ट की इस बात को सुन के जैक को गुस्सा आ जाता है और वो नेक्ट को बोलता है बैस्टर्ड। और दोस्तों सच में ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आया था। और तभी दांते नेक्ट के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मुझे इग्नोर मत करो। एंड नेक्ट दांते के अटैक से बच जाता है बिकॉज ऑफ हिज शील्ड। एंड देन अगले ही मोमेंट में नेक्ट पलट के दांते के चेस्ट में उसे लात मारता है, यानी कि किक करता है उसके चेस्ट में। और उसके बाद दांते बहुत ही ज़्यादा हंसता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छा था, क्या तुम गेट खुलने तक मुझे एंटरटेन करोगे। और दांते को देख के नेक्ट सोचने लग जाता है मैं इस पर अटैक तो कर सकता हूँ लेकिन मैं इसे हरा नहीं सकता, मुझे कैसे भी करके जैक से अटैक करवाना होगा। और तभी नेक्ट जैक को गुस्सा दिलाना स्टार्ट कर देता है, तुम यहाँ रेंग रहे हो, मैंने सुना था कि तुम कैप्टन हो पर तुम तो बोरिंग निकले, तुम तो मेरे लिए परेशानी खड़े कर रहे हो। एंड देन जैक अपने पास्ट के बारे में सोचता है, मेरे डैड एक कॉमनर हंटर थे और वो छोटे एनिमल्स और बर्ड्स को मार के जीते थे और उन्हें आदत था बोलने का जो तुम्हें तुमसे पावरफुल दिख रहे हैं उन्हें परेशान मत करो, और वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बचत करने वाले आदमी थे। और जब उन्हें मेरे मैजिक के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा तुम्हें एक हंटर होना चाहिए और मेरे डैड के जैसे मैंने भी कमज़ोर जानवरों का शिकार करना जारी रखा। पर मेरे मन में आया क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही जीऊँगा। और जब मैं 13 साल का होने वाला था तब मेरे डैड माउंटेन से लौटे आए पर वो मर चुके थे। मैंने सुना कि वो शिकार करते वक्त माउंटेन के ओनर से मिले और ओनर ने ही मेरे डैड के बैक में एक निशान दिया। और फिर जैक वही माउंटेन्स की तरफ चला जाता है और उसे रास्ते में एक भालू टाइप का कुछ मिलता है, मुझे तो ये भालू ही लग रहा है तो इसलिए मैं भालू ही बोलूँगा। और उस भालू को देख के वो सोचता है ये ठीक है मैं इसे काट सकता हूँ, और वो भालू को हरा देता है और सोचता है मुझे लगता है मुझे मैजिक नाइट्स ज्वाइन करना चाहिए। एंड देन सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जैक अपने नाइव्स के यूज से मूव कर रहा होता है और नेक्ट उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इसे देख कर दांते बोलता है कितने दुख की बात है तुम्हें रेंगते वक्त भी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, और अगर तुम्हारा काम यामी के जैसा है तो मुझे एंटरटेन करो। और तभी जैक ग्रेविटी को चीरते हुए उठता है और दांते की ओर बढ़ रहा होता है, और इसे देखकर नेक्ट हैरान हो जाता है और जैक दांते के ऊपर बहुत सारे कट्स कर देता है। और दोस्तों ये कट्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, अगर यहाँ पास कोई आम आदमी रहता तो वो तो आराम से कट जाता, पर दोस्तों यहाँ पास दांते था ना, और दांते को कुछ नहीं होता है और वो बोलता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो एक इंसेक्ट मुझे नहीं हरा सकता। और तभी दांते एक बड़े से मैंटिस को देखता है और बोलता है इंसेक्ट यहाँ मुझे नीचे मत देखो। और जैक दांते को बोलता है जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो इस बैटल को सर्वाइव करेगा। और इस बार तो दांते भी जैक को देख के डर जाता है। एंड लास्ट में नेक्ट बोलता है ऐसा लगता है तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया गया था। एंड देन चैप्टर एंड हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये चैप्टर भी बाकी चैप्टर्स की तरह ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड दोस्तों लास्ट में नेक्ट ने कहा था कि लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया गया था,
और मुझे भी लगता है कि जैक बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। तो वेल दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना प्लीज़ यार, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने बाकी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नेम है एनी वे ब्लैक एक्स। और दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चाहो तो ट्विटर में भी फॉलो कर लेना। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अरिगातो गोज़ाइमस।